वाराणसी में सामाजिक संगठन सरदार सेना ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकिशोर बघेल के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के सांसदों के कार्यालय का घेराव किया। इसी के तहत वाराणसी के गुरुधाम स्थित पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय का घेराव किया और धरना दिया। पीएम कार्यालय के पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन ने रोक लिया, लेकिन सरदार सेना के अध्यक्ष आरएस पटेल पुलिस अधिकारी व एसडीएम से कार्यालय जाने की जिद पर अड़े रहे और अधिकारियों को समझाने के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आरएस पटेल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण व अधिकारों पर प्रहार को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भैया आज हम लोग सरदार सेना पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सांसदों को 6 सूत्री ज्ञापन सौंपने के लिए सांसदों के कार्यालय का घेराव या उनके घरों का कार्यालय का घेराव हम लोग करने निकले हैं। उसी क्रम में आज बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के कार्यालय का घेराव करने के लिए और उनको 6 सूत्री मांग पत्र सौंपने के लिए नंद कुमार बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के पिताजी माननीय नंद कुमार बघेल जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग हजारों सरदार सेना के कार्यकर्ता मोदी जी के कार्यालय घेरने निकले हैं। ये और ज्ञापन दिया। ये कहाँ से लोग आए थे? पूरे बनारस के। किसको ज्ञापन दिए हैं सर? आप मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में ज्ञापन लेने आए थे एसडीएम साहब, उनको ज्ञापन दिया है। 6 सूत्री मांग है।